उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आज भारतीय किसान यूनियन भाकियू द्वारा अध्यक्ष सचिन यादव के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव ने कहा कि सरकार आती जाती रहती है पर किसान की कोई परेशानी हल नहीं होती, जिसमें किसान जलानी जलाता है तो इसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है और किसान की फसल जल जाती है तो उसका धुआं तहसील तक नहीं पहुंच पाता। यह अजीब धुआं है, सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंश के रखरखाव के लिए 247 आवंटित किए, लेकिन गौ माता आज भी किसानों की फसलें बर्बाद कर रही हैं। आवारा पशुओं के रखरखाव और गौशाला के निर्माण के लिए 495 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। गौशालाओं में भूख के कारण पशु मर रहे हैं। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विभाग योजना के अंतर्गत किस किसान को लाभ मिल रहा है, कोई भी किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव, जितेंद्र राहुल भास्कर, जगदीश सिंह, छोटे लाल यादव, मेहरान भाई, श्याम मोहन यादव, जिला अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौरा सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज भारतीय किसान यूनियन भारत की प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आज की इस सरकार में जिस तरीके से किसान त्रस्त है, बुरी किसान की कोई भी आवाज़ ना विधानसभा को उठाता है न कोई लोकसभा उठाई है। आप देख रहे हैं किसान पराली जलाता है, उसका धुआं किसी संपत्ति तक जाता है, उस पर मुकदमा लगाया जा रहा है, उस विवश किया जा रहा है उसको। और जब किसान की फसल अपने आप नष्ट हो जाती है बिजली के करंट से या तार से आग लग जाती है, जल जाती है, तो इसका धुआं तहसील तक नहीं पहुँच पाता। इस सबसे बड़ी, जब भी चुनाव होते हैं नेता लोग जो भी सरकार आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन कोई भी सरकार या कोई भी जो सरकार उत्तर प्रदेश में आती है वो यही नहीं सोचती है कि मुद्दा किसको बनाया जाए। मुद्दा है तो कौन सा है, तो पाकिस्तान का मुद्दा, सेना के ऊपर कोई मुद्दा ले लेंगे, लेकिन किसान के ऊपर कोई मुद्दा नहीं बनाया जाता है। किसान की कोई बात कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं समझी जाती है कि किसान को क्या चाहिए और किसकी ज़रूरत है। सभी किसान, ये भी उनको पता है, जो भी नेता हैं अधिकारी हैं सब जानते हैं कि जो चीज़ आप खाते हो उसको उगा कर ही किसान। तो आज इस समस्या से होने के लिए हमने भारतीय किसान यूनियन भारत, अगर यह समाधान नहीं हो पाया, सरकार नहीं कर पा रही है, तो हम आंदोलन करेंगे। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा गौशाला के लिए योगी सरकार ने, जो अब वर्तमान सरकार है, जिसने गौशालाओं के लिए जो बजट पेश किया, गौशालाओं में क्या हो रहा है जाके देखिए। मैं तो जाके देख के आया हूँ, गौशालाओं में जो भी गाय हैं भूखी मर रही हैं। ये कितना बड़ा पाप है गौ माता के लिए। कहाँ गया वो पैसा जो आपने बजट में लिखा था, वो पैसा कहाँ गया? जी, अलाव की बात कर रहे हैं तो फिरोजाबाद में भी आता है, कांच का उद्योग है जी, और वो अलाव आता है वहाँ जाता है, तो में जाता है उसे जी, तो उसमें जलाने का कहाँ, कहीं कहीं कोई किसान जला देता है, उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में सिर्फ यही कहना है कि जो किसानों पर जो अलाव जला देते हैं और जो पुआल जलाया जा रहा है पराली, इस संबंध में प्रशासन जो मुकदमे दर्ज कर रहा है, ये सरासर गलत है। मैं समझता हूँ अगर इसकी व्यवस्था की जाए, सरकार इसकी व्यवस्था कर देगी, पराली कहाँ रखी जाएगी, तो किसान तो कुछ ना कुछ करेगा। आज इतने कारखाने चल रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर, उन पर कुछ नहीं एक्शन लिया जा रहा है। किसान कारखानों में क्या हो रहा है इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, कौन सा केमिकल यूज किया जा रहा है, इससे बायो दूषित हो रही है, लेकिन इसलिए दूषित बायो हो रही है।